गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर थर्ड फाइबर टू फैब्रिक्स का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। सम प्लांट फाइबर्स, यानी कुछ प्लांट फाइबर्स होते हैं, यानी जो प्लांट्स होते हैं उनसे गेन होने वाले फाइबर्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कॉटन। कॉटन या जिसको कपास कहा जाता है, या हम अपने शब्दों में जिसको रुई बोलते हैं। कॉटन फाइबर कॉमनली नोन एज कॉटन वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट कॉल्ड कॉटन बॉल ऑफ द कॉटन प्लांट्स। मीन्स एक कॉटन प्लांट्स होता है जिसमें कॉटन फ्रूट्स लगे हुए होते हैं या कॉटन बॉल लगी हुई होती है, जिसके द्वारा हम कॉटन को या कपास को कॉटन वुल के नाम से जानते हैं और उसको वहाँ से प्राप्त करते हैं। कॉटन इज यूज्ड इन एवरी होम इन मैनी वेज, यानी जो कॉटन होती है उसको हम हमारे घरों पे अधिकतर कार्यों के लिए काम में लेते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर फिलिंग अप पिलोज क्विल्ट्स एंड मैट्रेसेस, यानी जो कपास होती है या रुई होती है उसका यूज़ हम पिलोज यानी जो तकिए होते हैं, क्विल्ट्स, क्विल्ट्स मतलब जो रजाई होती है, और जो मैट्रेसेस मीन्स जो गद्दे होते हैं उसको फिलअप करने के लिए या उसको भरने के लिए काम में लेते हैं। इट ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ विक इन अ लैम्प एंड एज कॉटन वुल फॉर कवरिंग द वुंड्स, यानी इसका यूज हम जो लैम्प होता है या जो दिया होता है उसकी बत्ती बनाने के लिए, और कहीं हमारे चोट लग जाती है या जो घाव होता है उसको कवर करने के लिए भी हम कपास का या रुई का यूज करते हैं, कि जो वो घाव होता है उस पर हम रुई लगा देते हैं या कपास लगा देते हैं जिससे कि वो भर जाता है। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स विच ग्रोज वेल इन द फर्टाइल ब्लैक ऑल्यूवियल सॉइल इन द वार्म क्लाइमेट, यानी जो कॉटन होती है उसको कॉटन प्लांट के द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्योंकि वो जो कॉटन प्लांट होता है उसके लिए उपजाऊ काली जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है, और जो उसका क्लाइमेट होना चाहिए या जो उसका वातावरण होना चाहिए वो वार्म होना चाहिए या गर्म क्लाइमेट। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन गुजरात पंजाब राजस्थान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु, यानी इंडिया में कपास को गुजरात में पंजाब में राजस्थान में महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में उगाया जाता है। द कॉटन फ्रूट्स आर लेमन साइज स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉटन बॉल्स, मीन्स जो कॉटन फ्रूट्स होते हैं उनकी संरचना नींबू के बराबर होती है और उन्हें कॉटन बॉल्स कहा जाता है। इनसाइड दीज कॉटन बॉल्स आर प्रेजेंट द सॉफ्ट वाइट कॉटन फाइबर्स अराउंड द कॉटन सीड्स, यानी इन कॉटन बॉल्स के अंदर वाइट कॉटन फाइबर पाया जाता है और उस कॉटन फाइबर के अंदर कॉटन सीड्स मिलते हैं। मीन्स जो कॉटन बॉल्स होती है, जो फ्रूट्स होता है कॉटन का, उसके अंदर कॉटन फाइबर पाया जाता है और कॉटन फाइबर उनके सीड्स को कवर किए होता है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट है एज दीज कॉटन बॉल्स मैच्योर दे ग्रो बिगर एंड ब्रस्ट ओपन, यानी जो कॉटन बॉल्स होती है जब वो मैच्योर हो जाती है या पक जाती है तो वो साइज में बिगर हो जाती है, और बढ़ने के बाद वो ऑटोमेटिक ब्रस्ट हो जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है और खुल जाती है, ओपन हो जाती है। देन द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, यानी उसके जो सीड्स होते हैं या उसके जो बीज होते हैं वो कॉटन फाइबर के द्वारा कवर्ड रहते हैं या पैक रहते हैं जो हमारे द्वारा देखे जा सकते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द होल कॉटन फील्ड लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो, यानी इस समय जो कॉटन फील्ड्स होते हैं या जो कपास के खेत होते हैं वो इस तरह से लगते हैं जैसे कि पूरे खेत में बर्फ की चादर बिछी हुई हो या पूरा खेत बर्फ से कवर हो। दीज कॉटन बॉल्स आर कलेक्टेड टू टेक आउट कॉटन फाइबर्स फ्रॉम देम, यानी ये जो कॉटन बॉल्स होती है इससे कॉटन फाइबर को कलेक्ट किया जाता है और उससे अलग कर दिया जाता है। दे अंडरगो गिनिंग स्पिनिंग एंड वीविंग टू बी कन्वर्टेड इंटू अ कॉटन क्लोथ्स, यानी इसके बाद इसको गिनिंग की जाती है, गिनिंग का मतलब होता है इनकी छटाई की जाती है, सेपरेट किया जाता है
गिनिंग के बाद स्पिनिंग यानी इनकी कटाई की जाती है, और कटाई के बाद जो विविंग, विविंग का मतलब इसकी बुनाई की जाती है, और एक कॉटन क्लॉथ्स में या सूती कपड़े में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है या चेंज कर दिया जाता है। गिनिंग, गिनिंग मीन्स सेपरेशन ऑफ फाइबर्स, यानी गिनिंग जो होती है उसमें फाइबर का सेपरेशन किया जाता है या रेशों को सेपरेट किया जाता है। फर्स्ट द कॉटन बोल्स कंटेनिंग सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स आर कलेक्टेड बाय हैंड्स। सबसे पहले तो जो कॉटन बोल्स होती है उनको, जो सीड्स को कवर किए हुए होती है कॉटन फाइबर के द्वारा, उसको सबसे पहले अपने हाथों के द्वारा कलेक्ट किया जाता है या इकट्ठा किया जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कम्बाइन इट विथ स्टील कॉम्ब्स। उसके बाद जो स्टील कॉम्ब्स होता है उसके द्वारा जो फाइबर होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है उनके सीड्स से, यानी जो उनके बीज होते हैं उनसे फाइबर्स को अलग किया जाता है, और अलग करने के बाद जो स्टील कॉम्ब्स होता है यानी जो मशीनरी होती है उससे उसको कम्बाइन किया जाता है, वो जो रेशे होते हैं उनको उससे एक साथ मिक्स किया जाता है। अर्लियर दिस प्रोसेस ऑफ गिनिंग वाज डन बाय हैंड बट नाउ अ डेज मशीन आर यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। यानी पुराने समय में जो गिनिंग प्रोसेस हुआ करती थी या सेपरेशन ऑफ फाइबर्स हुआ करता था उसको अपने हाथों द्वारा कंप्लीट किया जाता था, और अभी के दिनों में मशीनरी का यूज़ किया जाने लगा है और मशीनरी के द्वारा इस प्रोसेस को फुलफिल किया जाने लगा है या कंप्लीट किया जाने लगा है।